नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड में कीवी कल्टीवेशन की कितनी अपार संभावनाएं हैं, इस पर हमने पहले भी आपको जानकारियां दी, लेकिन अब ग्राउंड पर कैसे काम होता है, कोई अगर सोचे कि उसको कीवी कैसे लगाना है तो क्या मुश्किलें आती हैं और किस तरीके से वो कीवी का अपना जो ऑर्चर्ड है वो तैयार कर सकता है, इसी को लेकर है और ये खुद मेरी भी कहानी है। तो कैसे हम कीवी लगा रहे हैं, क्या क्या हमने किया, ये पूरी जानकारी हम आपको आगे देते रहेंगे और एक कंप्लीट जानकारी के साथ कि भविष्य में पौड़ी और उत्तराखंड का जो मिडिल हिमालय है वहाँ पर कीवी की कल्टीवेशन की क्या संभावना है और कैसे करने, एक एक बारीक जानकारी, गड्ढे खोदना, टी बार लगाना, जो पौधे हैं वो लगाना, उसके अलावा कैसे उसके लिए पानी की व्यवस्था करनी है, ये सारी जानकारियाँ ये आपको भी बहुत नॉलेज देगा। जिस जगह पर हम केवी लगाने की तैयारी कर रहे हैं उस जगह के खेत कुछ ऐसे हैं कि उनको एक दो तीन खेतों को एक खेत बनाना है और थोड़ा सा मेन जो सड़क है उस सड़क से छोटी सी एक सड़क भी बनानी है, तो इसलिए जेसीबी से उन खेतों को समतल किया जा रहा है और एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसी जेसीबी से कुछ और काम भी होंगे, जेसीबी कम समय में ज़्यादा काम कर लेती है और अगर आपके पास कई खेत हैं जो छोटे छोटे हैं तो उनको आप एक बड़ा खेत बना सकते हैं। आगे आपको दिखाएंगे कि हम कैसे उस काम को कर रहे हैं। जिस इलाके में हम कीवी का बगीचा तैयार कर रहे हैं वो समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जो पूरा चौंदकोट परगना है, इस इलाके में खेती बहुत है, पहाड़ की चोटी से लेकर और नीचे जो गाड गदेरे हैं वहाँ तक खेती खेत हैं और लगभग सभी में खेती छोड़ी हुई है। ऐसी जगहों पर कीवी का ऑर्चर्ड लगाना सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है इरीगेशन। तो उसके लिए हम कुछ नेचुरल तरीके से टैंक बनाएंगे और कुछ हम प्लास्टिक के जो बड़े जो टैंक हैं उनको रखेंगे। बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब भी इन इलाकों में खेती की बात होती है, खासतौर पे पौड़ी ज़िले के जो कई ब्लॉक हैं, जैसे आपका रिखड़ी खाल है, जहरी खाल है, एकेश्वर ब्लॉक है जहाँ इस समय हम हैं पौड़ी ज़िले के, या फिर कलजी खाल ब्लॉक है, इन ब्लॉक में सबसे बड़ी स्थिति यही है कि इरिगेशन सिस्टम नहीं है। निचली जो घाटियाँ जैसे इस तरफ जो है वो पूर्वी नियारे और इस तरफ जो है वो पश्चिमी नियारे, तो इन दोनों नदियों के किनारे जितनी भी घाटियों के किनारे जो गांव बसे हुए हैं वहाँ पर खेती आज भी हो रही है। वहाँ पर धान है, प्याज है, आलू है और भी फसलें जो कैश क्रॉप है वो उगा रहे हैं, लेकिन ऊंचाई वाले जो इलाके हैं 1200, 1500, 1600, 1800 मीटर वहाँ पर स्थिति थोड़ी बदली हुई है। अब धीरे धीरे लोग कोशिश कर रहे हैं, पातल गांव में भी एक बड़ा बगीचा कीवी का तैयार किया गया है, उसकी भी कहानी हम आपको आगे बताएंगे।
जीबी से तो बहुत फायदा है। एक तो एक नए प्रोजेक्ट से अभी हमरगढ़ वालों में एक उत्पादन कम से, लेकिन जन जन हम जना लोग जुड़ी की या हमदगढ़ जुड़ी की लोग अपने घरों में की भी लगाना चाहिए, अपने छोटे मोटे खेतों भी लगाना चाहिए, तो वक भी लगा कि अपन आय को साधन बना सक दी। फिर जन हम लोगों का भी ये प्लांट लगनो, कोई भी भाई लोग अगर लगाना चाहती न तो हमसे परामर्श ले कि कुछ सपोर्ट हम भी दू लू थे, अपन भाई बहन कमा ला खा ला अपन परिवार पाल ला, तो थोड़ा हर के एक आर्थिक स्थिति में मजबूती है। जो हमारे प्लान चल गई लोग तो उनका खेत या किसी उन खेतियों थे ही आबाद करो, बाढ़ने लगा तो मुझे लेकिन अपन फल पौधा लगा दिया, वही फल पौधा लें जी अग्नि को नाम थे ही फायदा हों हमारी जो पीढ़ी, तो वो कुछ ना कुछ वही माँ अच्छी पीढ़ी से तो रिसर्च कर रही, और अगर थोड़ा पीढ़ी में थोड़ा हल्कूपन से आर्थिक स्थिति कम से तो आप कमाई स्रोत बना सकती, तो ये चीज़ चाहिए माँ फायदेमंद चीज़ से। आज थक गए चाचा जी, बहुत थक गए। अब तो चाय और बंद के साथ हमारी ये शाम, सूरज ढल चुका है और मार्च का महीना है, आज तारीख है 7 फरवरी और 6:08 पर सूर्यास्त हो रहा है और 6:30 तक उजाला रहता है। तो आज हम जो प्रणवीर सिंह नेगी जी हैं नौगांव के, यहाँ पर कीवी का नौगांव बलूनी बोलते हैं, वो उन्होंने हमें ये कंडाली दी है, तो इसका आज बनेगा सुबह साग बनेगा। और कंडाली बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसमें रेसे होते हैं, बिच्छू घास इसे कहते हैं, सिसौड़ भी कई जगह बोला जाता है, और छोटे बच्चों को इससे पीटा भी जाता था जो बदमाश होते थे बचपन में। फ़ायदेमंद बहुत होती है, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, क्यों चाचा जी? बिल्कुल सही बात, आजकल खाया जाता है और ये छूने में इसमें इतने छोटे छोटे, ये इसको हम गढ़वाली बिच्छू घास ये छोटे छोटे होते हैं, जो ये जब लगते हैं तो उसका 12 घंटे तक असर होता है। और गांव में ये जगह जगह आजकल बहुत ज़्यादा हो रखी है, पहले इसको भैंस भी खाते थी, लोग भैंस मालते थे, लेकिन अब इस वाली बेल्ट में भैंसे नहीं हैं तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उगा हुआ है। आज 8 तारीख है, आज हम बना रहे हैं, बना क्या रहे हैं, चाचा जी ने बना ही दिया है कंडाली का साग और भात, ये अभी पक रही है। हमने यहाँ पर सुबह का खाना नाश्ता तैयार कर रखा है, जिसमें हमारे जो है ये गांव के हमारे बोलते हैं कंडाली, अरे प्लेन्स में बोलते हैं बिच्छू घास, तो हमने उसकी आज जो है धबड़ी बना रखी है, हैं अब धबड़ी बना रखी, ये हमारी जो है लोहे की बदली में ये धबड़ी है हमारी कंडाली, ये कंडाली हमने जो है फर्स्ट क्लास देसी घी में और लहसुन दख्खे में जो है तड़का मार रखा है इसका, है जी। भात में आपने हल्दी भी डाल दिया है? हाँ, कलर हमने जो है ना पीला बना दिया उसके साथ है। पूरा स्वाद आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, तड़के का जो स्वाद है ना।
दादी जी हो गए आप तो बहुत ही बढ़िया तहरी बोलते हैं इसको तहरी यूपी में हाँ नॉर्थ बिजन बनाने हुए चाचा जी आज तीसरा दिन है तीसरा दिन हाँ कीवी प्लांटेशन का असल में जहाँ पर कीवी लग रहा है वहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है रहने की भी व्यवस्था नहीं है तो वहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर एक अच्छा सा गेस्ट हाउस है यहाँ पे बहुत प्यारा बनाया गया तो यहीं पर हम लोग आते हैं यहाँ पर अपना खाना पीना सुबह नाश्ता फिर रात को जो है डिनर करते हैं तो आज हमने तहरी बनाई है इसको खिचड़ी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में तमाम सब्जियों को एक साथ मिलाकर तहरी बनाई जाती तो चाचा जी ने तहरी बनाई है और कल हमने कुछ गड्ढे खुदवाए थे पत्थर हमने एक जगह करवाए थे आज गड्ढे और भी खोदे जाएंगे जो 67 गड्ढे बनाए जाने हैं तो जल्दी जाना है आज हमें पैदल जाना है यहाँ से वहाँ तक क्यों चाचा जी बहुत जी पैदल हाँ 2 किलोमीटर पैदल है बहुत टेस्टी बनाई चाचा जी आनंद आ रहा है आपको यहाँ ये साउथ इंडियन नॉन बिजन बिरयानी भी कह सकते हैं यूपी में तहरी बोलते हैं कहीं बिरयानी है तो ये नॉन वेज बिरयानी है पाँच फरवरी को जब यहाँ पर काम शुरू करा था हमने तो उस समय चारों तरफ घास और झाड़ियाँ थी तो सबसे पहले वो साफ़ किया गया उसके बाद ये गड्ढे जो कीवी के प्लांटेशन के लिए बनाए जाने हैं वो बनाए गए और अब इसमें अभी बहुत काम और है तार बाड़ होनी है एंगल लगने हैं और लास्ट में फिर पौधे लगने हैं कीवी के पौधे को लगाने से पहले करीब 10 से 15 वैसे तो 1 महीने लेकिन 15 दिन तो कम से कम उस गड्ढे को बनाया जाना ज़रूरी है उसके बाद 15 दिन बाद उसमें पौधा लगाया जाना है अब ये गोबर भी ला रखा है गोबर और मिट्टी से और उसमें फिर और भी खाद डालनी है पानी बहुत ज़रूरी है तो हम लोग जो
एक एक हज़ार की दो टंकियां हैं, उनमें से एक टंकी में पानी भर रहे हैं और उसके बाद इसको इस टंकी का पानी हम इसमें डालेंगे। और ये हैं चाचा जी, तो ये पानी जाएगा वहाँ स्पॉट पे, यानी जहाँ कीवी का बगीचा तैयार हो रहा है। कम हो ये हमारी हैं 67 कीवी की पौध जो हम खांडूसैन से लेके जा रहे हैं। दोस्तों, पौड़ी से हम कीवी जो एलिसन प्रजाति है उसको लेकर आ गए हैं। तो ये है एलिसन और तैमूरी, इसमें 61 जो हैं वो एलिसन हैं और ये हैं जो मेल है जिससे परागण होगा, तो ये है तैमूरी। अब एलिसन जो है वो कीवी की जो लो हाइट है यानी 1000 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक, और उसके ऊपर जो है वो हैवर लगता है। तो मोस्टली जो है वो एलिसन लगाए जाते हैं जहाँ पर लो हाइट के हैं। पौधे आ गए हैं, पौधे माँ ज्वालपा देवी के आशीर्वाद से वहाँ पर माथा टेका और पौड़ी से लेते आए और माँ ज्वालपा देवी के उद्घोष के साथ कल यानी अगले वीडियो में आप देखेंगे कि पौधे कैसे लगाने हैं। अभी तक जो काम हुआ है वहाँ पे जहाँ पर कीवी का बगीचा चल रहा है, पहले सबसे पहले तो जो भूमि सुधार हुआ, झाड़ियाँ थी वो साफ की गई, फिर एक छोटी सी अप्रोच रोड बनाई गई, उसके बाद जो गड्ढे थे वो खोदे गए, 6 मीटर पर गड्ढे खोदने हैं और एक रो से अगर खेत लंबा है, जैसे बहुत लंबा खेत है तो एक रो से दूसरे रो की दूरी है 4 मीटर रखनी है और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 6 मीटर रखनी है। 1.5 फुट करीब 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदना है क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो 1 मीटर तक की गहरी जाती हैं। अब ये पौधा है, मान लीजिए जैसे ये पौधा, इसको मैं बताता हूँ कि इसमें ग्राफ्ट किया हुआ है यहाँ से, तो ये जड़ नीचे रहेगी और यहाँ से ऊपर ये रहेगा। एक साल में ये करीब 1 से 1.5 मीटर तक बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से स्टेप बाई स्टेप बताएंगे कि गड्ढा खोदने के बाद जो नेक्स्ट कार्य होने, क्योंकि अभी चार दीवारी होनी है, फेंसिंग लगनी है, जाल चारों तरफ से उसकी लगनी है, उसके बाद टी स्ट्रक्चर जो लगता है जिस पर हमारी जो बेल है इसकी वो बढ़ती है। कीवी जो है लगातार हम कह रहे हैं, जो पूरी हमारी कीवी यात्रा है, चाहे हम सोलन गए, उससे पहले हमने कीवी फेस्टिवल में प्रतिभाग किया, वहाँ जाना एक्सपर्ट से, उसके बाद हिमाचल गए, ट्रेनिंग लेके आए, अब खुद जो हमारा पैतृक गांव है पौड़ी गढ़वाल के केसवर ब्लॉक में, उसके ठीक ऊपर एक गांव है नौगांव, वहाँ पर कीवी का प्लांटेशन का तैयारी कर रहे हैं। तो कीवी जो है वो किस्मत बदल सकती है। कीवी है, हल्दी है, अदरक है, ऐसी फ्रूट्स, ऐसी जो मसाले हैं वो पूरी तरीके से पहाड़ की तस्वीर बदल सकती है। तो ये लगातार हम आपको समझा रहे हैं और यूथ जो है अगर थोड़ा सा ध्यान दे दे, थोड़ी धैर्य रख ले, थोड़ा मेहनत कर, क्योंकि अर्निंग कई साल बाद आती है तो किस्मत बदल सकती है। तो ये अभी जो है मैं 2 हिस्से करके लाया था, अब इसको मॉइस्चर लेने के लिए इस पूरे जो बोरी है उसमें फिर से बांध के और फिर इसको रख देंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कीवी का प्लांटेशन करते समय क्या ध्यान रखना है। विश्व के महान उद्योगपति रतन टाटा जी कहते हैं कि हम जब
करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, और इसीलिए जब हम कीवी प्लांटेशन की सोची और उसके बाद जब करनी शुरू की तो बहुत कुछ सीखा हमने। हमने बहुत गलतियां भी की, और जो हम जिनको समझा रहे हैं भविष्य में अगले साल या उसके अगले साल जो भी कीवी लगाएंगे उन्हें हम बहुत बारीक जानकारियां अपने स्टोरीज़ के माध्यम से भी और जो सीखना चाहेंगे उनको भी हम बताते रहेंगे। तो पार्ट टू में जब हम कीवी के प्लांटेशन और जो तार बार है या टी बार है उसकी पूरी जानकारी देंगे। आप बने रहिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलेंगी। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।